कैसे हो आप लोग। मैं नरेश ठाकुर, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज का वीडियो है अपना सुपरो के ऊपर, तो आपको दिखा देता हूँ मैं। तो ये अपना गाड़ी है, इसको खोला हुआ है अभी। तो इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है कि अपना ये सेंसर आता है इधर, वो क्लीन करके दिखाता हूँ। तो ये सेंसर है जो इधर, ये सेंसर बार बार ख़राब हो जाता है। तो उसके लिए हम वायरिंग चेक कर रहे हैं, क्योंकि ये सेंसर बार बार उठ जाता है। तो उसमें वायरिंग में कोई इश्यू सेंसर में नहीं है, तो इसलिए हम वायरिंग खोल रहे हैं इसकी। तो देख लेते हैं कौन सी वायरिंग पहले खोलनी है, या फिर सब वायरिंग पूरा निकाल देंगे, फिर चेक करेंगे इसको, फिर चेक करके आपको दिखाते हैं। पहले वायरिंग खोल लेते हैं हम। तो सब कपलर हटा रहे हैं अभी, ये सेंसर का हटा दिया, ये वाले सेंसर का, नोजल का, सब वायरिंग मेन जो है वो निकाल के फिर हम चेक करेंगे कहीं पे वायरिंग कट है या कहीं पे बॉडी अर्थ है कुछ, तो उसके हिसाब से पता चलेगा। या ICM में कुछ फॉल्ट होगा तो वो देखेंगे। तो पहले हम खोल के चेक कर लेते हैं, वायरिंग खोल लेते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ मैं। तो हम दोनों भाई मिलके ये अभी चेक कर रहे थे, तो अभी पता चला जैसे ये इसमें नोजल के जो केबल है दोनों, ये अपना इंजेक्टर के हैं केबल। तो इसके साथ जो केबल दूसरा था, ये अपना सेंसर का, तो इसमें ये हो रहा है कि ये इंजेक्टर का जो केबल है हीट हो रहा है, हीट की वजह से इधर से जैसे खुल गया है। तो खुलने की वजह से गर्म होता है, तो गर्म होने की वजह से ये दूसरा केबल जो अपना साथ में चिपका हुआ है, जिससे आप देख सकते हो ये भी दोनों ऐसे जल के साथ में जॉइंट हो जाते हैं। इसकी वजह से बार बार अपना सेंसर खराब हो रहा है ये। तो अभी पूरा वायर इधर से खोल के तो चेक कर रहे हैं हम, और ये वायर इधर से बाकी अभी चेक करने का ECM तक। तो वो भी देखते हैं, थोड़ा चेक करेंगे, जो बराबर वायर होगा तो ज़्यादा नहीं खोलेंगे हम। तो इतने में सब टेपिंग कर देते हैं जहाँ जहाँ ये गर्म होके खुल गए केबल, ये और दूसरा भी आगे, ये सब इधर से हीट हुआ है। ये इधर देखो जलने का निशान, तो ये हीट होके इधर सब आ गए, ऐसे चिपक गए साथ में। इसको नोजल का, इंजेक्टर का, इसको भी सेट करना पड़ेगा, चेक करके अच्छी तरह से। ये भी केबल टेप निकाल के इसमें भी चेक करेंगे, क्योंकि पहले भी एक बार ये जलने की वजह से अपना गाड़ी बंद हो गया था, तो इसको भी हमने टेपिंग कर दिया था अलग करके। ये इंजेक्टर के केबल हीट होते हैं पहले से, ये इधर भी है, ये घिसने की वजह से टूटा हुआ है, और ये वाला हीट हुआ है, तो इसकी वजह से अभी परेशानी आ रही है थोड़ी। तो इसमें अभी टेपिंग करके सब चेक कर लेंगे, बाद में सेंसर जब आ जाएगा हमारा तभी सेंसर लगा के चेक करेंगे। वैसे आइडल में गाड़ी से चालू करके रख दो एक जगह पे तो कुछ नहीं होता है, पर अपना जैसे गाड़ी हाईवे पे लेके जाए या कहीं कच्चे रास्ते पे जाती है, जंप खाने से गाड़ी जैसे ही पूरा जंप में आए गाड़ी और गाड़ी पूरी हिले, तो अपना सेंसर उठ जाता है, क्योंकि ये हिलने की वजह से दोनों केबल साथ में जॉइंट हो जाते थे। तो चलो अभी टेपिंग वेपिंग करके चेक करके फिर आपको आगे दिखाता हूँ प्रोसेस। तो इसमें सिंगल सिंगल वायर में टेपिंग करेंगे, इसे खोल के सिंगल वायर में पूरे ये सब इसका निकाल के सिंगल वायर में टेपिंग करेंगे, एक एक वायर में, फिर सब साथ में टेपिंग कर देंगे। तो अभी सेटअप मार दिया है पूरा वायरिंग पे, जहाँ जहाँ पे अंदर से कट था वो अंदर की साइड सेटअप अलग से मारा है, वायरिंग टेप लगा दिया अच्छी तरह से, और ये अभी ऊपर से उसको कवर कर रहे हैं कहीं पे और भी ये हीट होने की वजह से इसमें डैमेज आए, केबल में डैमेज ना आए, शॉर्ट ना हो। तो इसको भी चेक कर लिया, अभी दूसरे कहीं पर कट नहीं है, ये भी चेक कर लिया था, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, और ये वायर में कट थे तो वो लगा दिए इधर भी और इधर भी, तो इसकी वजह से इसमें से डैमेज आ रहे थे दोनों साथ में। तो इसमें भी देखो जैसे कि ये भी इधर ही ख़राब हुआ था, ये वाला भी इधर ख़राब हुआ था, और ये वाला भी इधर ही ख़राब हुआ था, तो इधर टेप कर दिया सब साथ में ही। तो इसको लगाने की बारी है, अभी सेंसर अपने पास है नहीं, मंगवाएंगे जब ही आ जाएगा तभी उसको चेक करेंगे गाड़ी को। और दूसरा उधर आगे अपना ये फ्यूज़ बॉक्स है, इधर भी ये ऐसे ही लूज पड़े हैं सब फ्यूज़, तो उसको भी बाद में अभी चेक करेंगे हम। तो अभी ये ECM का इधर है कपलर, वो भी फिक्स नहीं किया है हमने, खुला रखा है, बाकी वायरिंग फिक्स कर रहे हैं।
तो इधर की साइड अपना ये वायर सब आ गए नीचे, तो अभी सब वायर लगेंगे अलग अलग जगह पे। तो एक अपना ये सेंसर है इधर, इसमें लगेगा। एक सेंसर इधर इधर लगेगा। दो ये इंजेक्टर के नोजल के सेंसर है, इसमें लगेंगे। और एक अंदर की साइड नीचे है कहीं पे, दिखेगा नहीं आपको, तो अंदर नीचे की साइड है उसमें लगेगा। तो ये सब केबल वहाँ पे हम फिक्स कर देते हैं। और आगे भी है इधर सेंसर, एक इधर भी उधर भी लगेगा। सब सेंसर में एक एक चीज़ लगेंगे, और दूसरे दो नीचे सेंसर है उसमें लगेंगे। तो सब ये फिक्स कर देते हैं हम। तो अपना ये OBD2 स्कैनर है, तो इससे भी स्कैन किया था, इसमें भी नहीं बता रहा था, क्योंकि कोई अभी ऐसी चीज़ नहीं थी जो ख़राब हो अपनी, वो इसमें बताए। ऐसी जो सेंसर ख़राब हो कैसा कुछ भी हो तो वो इसमें बता सकता है। बाकी अपना वायरिंग शॉर्ट हो, वायरिंग कहीं पे गल गया हो, कैसा कुछ हो, तो ये इसमें नहीं बता सकता है, वो अपने को मैन्युअली चेक करना पड़े। बाकी एक हिंट दे देते हैं अपने को कि यह सेंसर ख़राब है, पर वो सेंसर ख़राब नहीं हो सकता है। तो कभी कभी वो चेक भी करना पड़ता है, दूसरा नया सेंसर डाल के तो अपने चेक करें तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो कि कुछ फॉल्ट वैसा ही सेम रहे, तो समझ लेने का वायरिंग कहीं पे शॉर्ट हो गया। तो इसलिए अभी मैंने ये सेंसर लगा के चेक किया था, पर कुछ बता नहीं रहा था, इसलिए मैंने अभी मैन्युअली चेक किया तो वायर अपने कटे हुए थे। ये कैमसैट सेंसर लेके आया हूँ मैं, और दूसरा उड़ गया था इसलिए दूसरा लेके आया हूँ। 1590 रुपये का आया था मेरे को। तो इसको अभी फिटिंग करेंगे। ये इधर रहा दूसरा सेंसर जो ख़राब हो गया है, ये रहा। तो आपको दिखाया था जैसे ये वायरिंग सब हमने सेट की थी ख़राब वाली सब, उसको टेपिंग वेपिंग करके अच्छी से सेपरेट करके वायर सब सेट कर दिए थे हमने। तो अभी इसकी बारी है, सेंसर लगाएंगे, ये खोलेंगे सेंसर, फिर आपको आगे स्टार्ट करके दिखाता हूँ गाड़ी में। तो अभी ये सेंसर खोलेंगे, इधर आपको दिखाता हूँ अंदर से। तो ये रहा सेंसर अपने पास, एक नया एक पुराना, बॉस कंपनी का, मेड बाय जर्मनी का सेंसर है। तो पुराना वाला निकल लिया है, अभी ये नया फिट करेंगे। तो फिट करने के लिए सिंपल ऐसे ही डाल देने का है अंदर। तो फिट कर दिया अभी नट फिट करके, फिर अपना कपड़ा लगा देने का वायरिंग का, और फिर आपको गाड़ी स्टार्ट करके दिखाता हूँ। तो गाड़ी स्टार्ट करता हूँ मैं। तो मीटर स्टार्ट हो गया अपना, मैंने एयर का चेक कर लिया, अब आप भी चेक कर लेना। एयर बैग नहीं हो तो सेल लंबा लगेगा। गाड़ी स्टार्ट हो गया अपना, दिखाता हूँ आपको। तो फिर से स्टार्ट करके हम चेक करेंगे गाड़ी को। अपना गाड़ी अच्छी तरह से स्टार्ट हो गया है, अभी रेस करके दिखाता हूँ आपको। तो अच्छी तरह से अभी स्टार्ट हो गया है गाड़ी। तो अपना नेक्स्ट वीडियो क्लच प्लेट के ऊपर होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना फुल वीडियो देखने के लिए। तो अभी सुप्रो का काम हो गया है सेंसर का और वायरिंग का। तो फिर अभी नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट चेंज करने का, तो आपको दिखाएंगे। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।